हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.3 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो 6.3 में हम लोगों को मोड फाइंड करना है। मोड होता क्या है? जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। समझ लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन है, उसमें आ रहा है 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 11, 13। बोला इसमें मोड कौन है। तो मोड के लिए सबसे पहले देखोगे कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 5 की जो फ्रीक्वेंसी वो 3 टाइम्स है, सबसे ज्यादा है। तो इसलिए 5 क्या हो जाएगा, 5 मोड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्लास में दे दिया गया है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यहाँ पे ये 2, 10, 12, 14 ऐसा आ रहा है। तो आप लोगों को बोल रहा है इसमें मोड क्या होगा। तो मोड कैसे फाइंड करोगे? मोड का यहाँ पे आपको फॉर्मूला है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। याद करने का फॉर्मूला, F1 को समझो I है और F0 को समझो O है। ये हमारे क्लासेस का फॉर्मूला है, ठीक है। मेरा बनाया हुआ नहीं है, क्लासेस से ऐसे सिंपल सिंपल ट्रिक्स हम लोगों को मिलती रहती है। तो मोड को ऐसे याद करो, L प्लस फी 4 अपॉन 2 फी 4 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। इसको समझो, ये FI है तो FI को क्या बोलोगे, फी। ये FO है तो 4, फी 4 अपॉन 2 फी 4 माइनस F2 इंटू एच। तो इसको याद कर लो, L प्लस फी 4 अपॉन 2 फी 4 माइनस F2 इंटू एच। चलो, इस तरीके से आपका फॉर्मूला है। अब ये फ्रीक्वेंसीज F1 क्या है, F0 क्या है, L क्या है, F2 क्या है, H क्या है, ये सब मैं पहले सम को कराते समय आपको बता दो, तो आपको खुद ब खुद समझ जाएगा। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आइए गाइस, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको टेबल बना हुआ है, इसमें दिया कंटेंट ऑफ फैट 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और मिल्क कलेक्टेड। मतलब 30 लीटर में 2 से 3% फैट रहता है, 70 लीटर में 3 से 4%, 80 लीटर में 4 से 5। तो इसको सबसे पहले आप क्लास और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्लास फ्रीक्वेंसी, बस ये दो ही कॉलम्स इसमें आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इजी होता है। क्लास है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ठीक है। 30, 70, 80, 60, 20, 30, 70, 80, 60, 20। अब आप लोगों का सवाल था कि F1 कौन होगा, F0 कौन होगा, F2 कौन होगा, H कौन होगा, L कौन होगा, ये आप लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग समझ लो कि मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास बोलो या मोड की क्लास बोलो, इसमें से देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 80, तो 80 हमारा F1 होगा और साथ ही में ये हमारा होगा मॉडल क्लास। क्या होगा ये हमारा होगा मॉडल क्लास, ठीक है। मतलब मोड यहाँ पे आपको मिलेगा, ये होगा हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। नोडल नहीं, मॉडल, MODL, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 से 5 के बीच में आएगा, ये चीज तय हो जाती है मॉडल क्लास से। तो ये आपका F1 है, तो इसके जस्ट ऊपर जो होगा वो हो जाएगा आपका F0 और जस्ट नीचे जो होगा वो हो जाएगा F2। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि अगर F1 यहाँ हुआ तब क्या होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और F1 में जो आपका मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट होगी, लोअर क्लास लिमिट 4 और 5 में कौन है, ये अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट है। तो आपका L हो जाएगा 4 और H मतलब गैप, 2 से 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 से 4 के बीच में 1 का गैप है। तो सबको लिख लो, हियर जो आपका F1 है वो है 80, F0 है वो है 70, F2 है वो है 60, L जो है वो है 4 और H जो है वो है 1। देयरफॉर जो मॉडल क्लास है, आपको मॉडल क्लास भी पूछेगा 1 मार्क्स का हो सकता है, तो मॉडल क्लास यहाँ पे 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। मॉडल क्लास इज 4 to 5। तो मोड फाइंड कर लो, अभी फॉर्मूला लगा लो, सब कुछ तो मालूम है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस फी 4 अपॉन 2 फी 4 माइनस F2 इंटू एच। एल आपका कितना है 4, F1 है आपका 80, F0 है आपका 70 अपॉन 2 इंटू 80 माइनस 70 माइनस 60 इंटू एच। एच आपका 1 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। 4 प्लस 80 में से 70 किया तो 10 बचा, 2 इंटू 80 हो जाएगा 160, 70 और 60 हो जाएगा 130, बट माइनस में ये आ गया 4 प्लस 10 अपॉन 30, 0 0 कट गया तो आपको मिला 4 प्लस 1 अपॉन 3। चाहो तो 4 को ऐसे ही रहने दो, पहले 1 अपॉन 3 को कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन 3 को कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 3 3 जा 9, 10, 3 3 जा 9, 10, 3 3 जा 9, 10, 3 3 जा 9, ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको लिख दो 0.33 बस, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 प्लस 0.33, मतलब 4.33%। मतलब इतना परसेंट जो फैट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये मतलब सबसे ज्यादा बार इंक्लूड होता है, ठीक है। तो
आपको फीफो टू फीफो ये सब याद रखना होगा, कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको मालूम रहना चाहिए, वरना ये सम्स आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। 4 प्लस 1 अपॉन 3 में पहले 1 अपॉन 3 को कैलकुलेट किया फिर प्लस किया, आप चाहते तो 4 प्लस 1 अपॉन 3 में 4 प्लस 1 अपॉन 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। 4 3 या 12 प्लस 1 अपॉन 3 आंसर आता 13 अपॉन 3, 13 अपॉन 3 को काटोगे तो भी ये मिलेगा। तो ये हो गया आपका मोड, बस इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, 0 से 20 यूनिट के बीच में 13 फैमिली यूज करती है, 20 से 40 के बीच में 50 यूनिट, 40 से 60 बीच के 70 फैमिली, 60 से 80 यूनिट के बीच में 100 फैमिली, 80 से 100 के बीच में 80 फैमिली, 100 से 120 यूनिट के बीच में 17 फैमिली। तो आपको फाइंड करना है मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप लोग देखो तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 100, तो ये आपका F1 हो जाएगा, साथ ही में ये जो आपका क्लास होगा ये हो जाएगा मॉडल क्लास, मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो 60 से 80 के बीच में मिलेगा, ठीक है। सब कुछ अभी लिख लो, F1 के जस्ट ऊपर आ जाएगा F0, F1 के जस्ट नीचे आ जाएगा F2, और ये जो आपका 60 है ये हो जाएगा L, और H मतलब गैप हो तो कहीं से भी निकाल सकते हो, 0 से 20 के बीच में भी गैप 20 है, 20 से 40 के बीच में भी वही, 40 से 60 सबके बीच में वही है। तो यहाँ पे लिखो हियर जो आपका L है, L निकला है 60, F1 है 100, F0 है 70, F2 है 80, और साथ ही में जो H है 20, और साथ ही में जो मॉडल क्लास है 60 से 80, मतलब आपका जो आंसर मिलेगा वो 60 से 80 के बीच में ही रहना चाहिए, अगर वहां से ज्यादा आता है तो आपने कोई ना कोई गड़बड़ी की है। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस FIFO अपॉन 2 FIFO माइनस F2 इंटू एच। L मतलब क्या, 60, F1 मतलब 100, F0 मतलब 70, अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 70 माइनस 80 इंटू 20, ये हो गया 60 प्लस 100 में से 70 गया 30, अपॉन 200 माइनस 70 माइनस 80 हो जाएगा माइनस 150 इंटू 20, 60 प्लस 30 अपॉन 50 इंटू 20, ठीक है। अब देखो 0 0 कट गया, 5 6 जा 30, तो आपको आंसर देखो डायरेक्टली मिल गया 60 प्लस 6 टू जा 12, तो आपको आंसर मिल गया 72 यूनिट्स, मतलब 72 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो सबसे ज्यादा फैमिलीज यूज करती हैं। तो इसको हम लोगों ने फॉर्मूले में रख के सॉल्व किया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गई F1, ये हो गया मॉडल क्लास, 60 से 80 के बीच में आंसर रहना चाहिए है, 60 हो गया लोअर लिमिट, ठीक है। L हाइट तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, F1 F0 F2 फॉर्मूले में रखा सॉल्व किया। हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट आया हो कि क्या किया, 30 200 में से 150 किया तो बचा 50 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 काटा फिर 5 6 जा 30, तो मुझे मिला 60 प्लस 6 इंटू 2। अब पहले मैं 60 प्लस 6 कर दूं या फिर पहले मल्टीप्लाई करूं, तो हम लोग बोर्ड मास इंडेक्स जानते हैं, ठीक है, बोर्ड मास इंडेक्स के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर एडिशन आता है, तो 6 इंटू 2 पहले करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो 62 प्लस 12 आंसर आ गया 72, वरना बहुत सारे बच्चों का आंसर आता 60 प्लस 6 इंटू 2 में 66 इंटू 2 कर देते तो आंसर 132 आता, जो कि गलत होता, इसलिए इस इंडेक्स को याद रखो, इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा इजी है। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी ज्यादा इजी है। इसमें बोला ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दी है सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल, मतलब जो मिल्क सप्लाई होता है होटल में उसके बारे में दिया है, 1 से 3 लीटर सप्लाई होता है 7 होटल में, 3 से 5 होटल में, 5 से 7 होटल में, 7 से 9 होटल में, 9 से 11 होटल में, और 11 से 13 होटल में, ठीक है। हमें फाइंड करना है मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क, तो सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका F1, साथ ही में ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास, एज यू नो ये आपका हो जाएगा मॉडल क्लास, और आपका जो आंसर आएगा वो 9 से 11 के बीच में भी होना ही चाहिए, और ये 9 आपका हो जाएगा L, H हो जाएगा आपका 2, कहीं से भी निकाल लो 3 -1 5 -3 7 -5 कहीं से भी, तो आपका H हो गया 2, F1 के जस्ट ऊपर हो जाएगा F0, F1 के जस्ट नीचे हो जाएगा F2, तो यहाँ पे लिखो हियर जो भी आपको मालूम है सब लिख डालो, F1 है 35, F0 है 20, F2 है 18, L है आपका 9, और साथ ही में जो H है वो है आपका 2, देयरफॉर जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास इज 9 to 11, तो आपका आंसर कहाँ आना चाहिए, 9 से 11 के बीच में। तो मोड का फॉर्मूला लगा दो, मोड का फॉर्मूला क्या कहता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, L आपका क्या है 9 प्लस F1 आपका है 35, F0 है आपका 20 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय H क्या है आपका, H है आपका 2, ठीक है।
तो 9 + 15 / 70 - 38 / 2 तो मिला 9 + 15 / 32 / 2 2 × 1 = 2, 2 × 16 = 32 तो मिला 9 + 15 / 16 तो 15 को 16 से काट दो, डिवाइड करोगे तो कुछ 9.3 आएगा। देखो 16 × 9 = 144 आंसर आया 60, 16 × 3 = 48 बस दो नंबर तक जाओ तो आपको मिला 9 + 0.93 तो आपका आंसर आ गया 9.93 लीटर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोड हो गया। और देखो मैंने बोला था 9 से 11 के बीच में होना चाहिए, 9 से 11 के बीच में है तो करना कुछ नहीं है, F1, F0, F2, L और H फाइंड करो, फॉर्मूले में रखो, आंसर आपके सामने। इसको कर लो फिर हम लोग लास्ट वाला करते हैं, लास्ट वाले में कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉन्सेप्ट है तो इसकी वजह से हो सकता है आपको उसमें प्रॉब्लम आए, तो पहले इसको कर लो फिर हम लोग उसको करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपका एक कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपके सामने वो टेबल बनाता हूँ ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सके। तो इसमें 3 कॉलम आ जाएगा, पहला क्लास, दूसरा कंटिन्यूअस क्लास और तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाइन खींच दो। चलो तो क्लास, क्लास यहाँ पे पहले में बोला है लेस देन फाइव मतलब 0 से 4 के बीच में, फिर दूसरी क्लास दिया है 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29। आप लोगों ने मीडियन वाले में भी ये चीज की है तो आप लोगों को आई थिंक आता होगा। ठीक है, अब लेस देन फाइव में बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि 0 से 5 क्यों नहीं लिया आपने, तो ध्यान से आप लोग देखो इसको, देखो यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 4 का गैप रहना चाहिए, तो 0 से 4 फिट बैठेगा। अगर 1 से 5 लिखता हूं मैं तो अगले वाले में 5 to 9 आ जाएगा, तो ये 5-5 तो मैच हो गया, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस क्लास है, हालांकि आगे वाले में नहीं है, तो इससे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ऊपर 0 से 4 आएगा। अब देखो मैच कर रहा है 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो इसका जो अपर क्लास लिमिट है और दूसरे वाले का जो लोअर क्लास लिमिट है इसके बीच में गैप कितने का है, इसके बीच में गैप है 1 का, 1 को 2 से डिवाइड करो आंसर आएगा 0.5। अब इसी 0.5 को यहाँ पे माइनस करो और यहाँ पे ऐड करो, 0 में 0.5 माइनस करोगे तो -0.5 आ जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 4.5 आएगा। अब इस 4.5 को यहाँ कॉपी कर दो तो इधर आ जाएगा 9.5, ठीक है, क्योंकि 9 है तो 0.5 ऐड कर दो, फिर इसी 9.5 को यहाँ कॉपी कर लो आ जाएगा 9.5, फिर यहाँ 0.5 ऐड कर लो तो इधर आ जाएगा 14.5, फिर इधर पे 49.5 उतार दो ऐसे ही तो इधर आ जाएगा 19.5, फिर 19.5 को इधर ही उतार दो तो इधर आ जाएगा 24.5, फिर 24.5 को इधर उतार दो तो इधर आ जाएगा 29.5। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिख लो 38, 22, 38, 32, 50, 36, 24, ये आपके फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो इन फ्रीक्वेंसीज को ध्यान से देखो, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 50, तो ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास लिखते समय आप लोग कंटिन्यूअस वाला लिखोगे और साथ ही में जो 9.5 है उसको लोगे L, वरना कई सारे बच्चे 10 को L ले लेंगे। अरे भैया जब 10 को L लेना था तो कंटिन्यूअस क्लास बनाया ही क्यों, ठीक है, तो ये आपका L हो गया, बाकी गैप आप लोग यहां से भी निकालोगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दो हियर F1 के नीचे आ जाएगा F2, यहाँ पे आ जाएगा F0, तो हियर F0 है आपका 32, F1 है 50, F2 है 36, ठीक है, L है आपका यहाँ पे 9.5 और साथ ही में जो आपका H है वो तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका H जो है आपका वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, मोड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लोग H निकालोगे तो 4.5 -0.5 तो 4.5 +0.5 तो 5 आ जाएगा। तो अभी मोड का फॉर्मूला लगा दो, पहले मॉडल क्लास लिख दो, मॉडल क्लास इज 9.5 to 14.5, आंसर भी यही मिलेगा, ध्यान में रखो, तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस फी 4 / 2 − F2 × H। एल क्या है आपका, एल आपका 9.5 है, F1 क्या है आपका 50, F0 क्या है 32 / 2 × 50 - 32 - 36 / 5,
तो 9.5 प्लस 50 में से 32 गया तो 18 अपॉन 100 माइनस 68 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9.5 प्लस 18 5 जा 90 और नीचे आया 32, काट दो 9.5 प्लस ये 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये 45 और ये 16, तो आंसर आया 45 अपॉन 16। अब 45 को पहले 16 से डिवाइड करो फिर 9.5 में ऐड करो तो इजी रहेगा, तो 45 को मैं यहाँ पे 16 से डिवाइड करता हूँ, 16 टू जो 32 बचा 13 पॉइंट लगाया 8 128, फिर 20, फिर यहाँ पे 16 वन जा 16 होता है, फिर यहाँ पे 40, 16 टू जो 32 होता है, 16 फाइव जो 80 होता है, तो मेरे को मिल रहा है 2.8125, ये मुझे कट के आंसर मिल रहा है, तो 9.5 में ये ऐड कर दो तो 2.8125 प्लस 9.5 तो आपको आंसर मिलेगा, सॉरी यहाँ पे ऐड करता हूँ 9.5 प्लस 2.8125, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आ जाते हैं 5213, ठीक है 13 और यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 12, तो आपको आंसर मिल रहा है 12.3125 इयर्स। क्या फाइंड करना था हम लोगों को, एज फाइंड करना था पेशेंट का, तो ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट है वो इतने साल वाले हैं, ठीक है, हालांकि आप लोग इसको दो में लिख सकते हो 12.31 इयर्स, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको एक्यूरेट मिला है तो लिख सकते हो, वेल एंड गुड। चलो इस तरीके से इसको करना था, हार्ड था इसमें कंटिन्यूअस क्लास बनाना जो कि मैंने सिखा दिया कैसे बनाना है, और फिर ट्रिक भी बता दिया, देखो ऐसे ऐसे कॉपी करते जाओ, यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 लिखते जाओ और फिर उसके बाद हियर करके लिखो, मोड का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके सामने है। तो इस तरीके से 6.3 आपको करना है, आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग हिस्टोग्राम सीखेंगे कि हिस्टोग्राम बनाते कैसे और किस तरीके से उस पर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।